रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। मैं आपका परिचय एक ऐसे स्कूल और ऐसे छात्रों से करा रहा हूं जहां के बच्चों ने 53 बच्चों ने 400 से, जी हाँ, ये सीतामढ़ी के भासर का स्कूल संस्कार भारती है जहां एक से बढ़कर एक होनहार बच्चे हर साल अपना रिजल्ट देते हैं। ये स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई दिखने वाला स्कूल नहीं है, कई सारे क्लास ऐसे हैं जो आपको कच्चे क्लास, कच्ची दीवारें अस्पष्ट के मिल जाएंगे, लेकिन बच्चे इतने मजबूत हैं, बच्चे इतने कौशल से भरे हुए हैं, बच्चे प्रतिभा से इतने भरे हुए हैं कि हर साल शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर ये स्कूल है, लेकिन हर साल ये स्कूल मैट्रिक के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, क्योंकि यहां बच्चों को मेहनत और ईमानदारी के कसौटी पर घिसा जाता है। कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो अपने बच्चों पर मेहनत करेगा, जो टीचर अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उस तक बैठकर लगन के साथ उसके मस्तिष्क में सब्जेक्ट को डाल देगा, उसके बच्चे कमाल कर जाएंगे। और कुछ ऐसा ही है सीतामढ़ी के भासर का संस्कार भारती स्कूल। हम चलते हैं, ये तमाम बच्चे आप देख रहे हैं, ये तमाम वो सितारे हैं जिन्होंने यहां दिखाइए, ये तमाम, ये सामने आगे के बच्चे, ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने जिला में 500 के परीक्षा में 400 से अधिक नंबर लाया है। जी हाँ, क्या आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक का एग्जाम हो, कुल 143 बच्चे अपेयर हो, उनमें से 135 बच्चे फर्स्ट आ जाए, ऐसा होता है क्या? लेकिन ये कल्पना, ये ख्वाब पूरा करने वाला, मैं समझता हूं कच्ची दीवारों से बना संस्कार भारती स्कूल, जिनके इरादे पक्के हैं, जिनके उड़ान और हौसले इतने पक्के हैं कि मानो आसमान की बुलंदियों से बात करते हो, ये तमाम बच्चे फर्स्ट आए हैं। 143 में 153 छात्र जहां फर्स्ट आ जाए बहुत बड़ी बात है, उसमें से भी 53 छात्रों ने 400 से अधिक नंबर, इट मींस के 80+ नंबर लाए हैं। यहाँ हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब हैं, सारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पीछे आप तमाम टीचर्स हैं। और एक बात, एक परिचय मैं आपको और कराऊं कि ये स्कूल वो स्कूल है कि हर साल इस स्कूल का नाम जिला के टॉप रैंक में होता है। इस बार मेरे साथ रवि कुमार हैं, सॉरी किशन कुमार हैं, किशन कुमार जिला में 5वां नंबर लाया इन्होंने। पिछले साल इसी स्कूल का रवि कुमार था जिसने 473 नंबर लाकर जिला में प्रथम वरीयता लाया था। जी हाँ, जिला में फर्स्ट रैंक लाया था। 2021 में निधि कुमारी थी जो जिला में थर्ड रैंक लाई थी, और 2020 में कृष्ण मुरारी थे जो जिला में फर्स्ट रैंक लाए थे। ये स्कूल क्या है, जादू है, टोना चलता है यहाँ। यहाँ बच्चों के जहन में कंप्यूटर द्वारा क्या शिक्षाएं, सब्जेक्ट डाल दी जाती हैं? नहीं साहब, टीचर ईमानदारी से पढ़ाते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा डालते हैं, वो ये एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे माता पिता मजदूर जरूर हैं, उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं, और आप जब मेहनत करेंगे तो आपके मेहनत के उड़ान में आपके माता पिता के सपनों को पंख लगेगा, और इस तरीके से आपके पिता और आपके घर के लोगों के सपने साकार होंगे। ये तमाम लोग हैं, मैं किन किन से बात करूं, यहाँ हर एक बच्चा हीरा है, तो दूसरा मोती है और तीसरा जवाहर है। हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से, किस तरीके से तैयारी कराते हैं। यहाँ आना मैं चाह रहा था, दो दिन से मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा था। सर अपना परिचय बताएं, स्कूल के बारे में बताएं और बच्चों के बारे में बताएं। मेरा नाम ब्रिज किशोर राय है, विद्यालय का चेयरमैन हूँ। बच्चे को हम यहाँ नैतिकता मोरलिटी भर देते हैं, जे बच्चों की नैतिकता आ जाए, ईमानदारी से पढ़े और पढ़कर अपनी मजबूरी को समझकर आगे बढ़े, वह हमें साकार नजर आ रहा है। प्रत्येक वर्ष बच्चे जिला में अपने रैंक लाते हैं, यह इससे हमें काफी खुशी होती है। और हम योग्य अनुभवी प्रशिक्षित टीचरों के द्वारा देहात में जरूर है, लेकिन यहाँ टीचर हम दिए हुए हैं वह कुशल टीचर है, बच्चे को समुचित विकास करवाते हैं। और कौन सा जन्म गुट्टी पिलाते हैं, ये जो बड़े बड़े स्कूल नहीं कर पाते हैं।
इनकी हौसला देते हैं, इसके ईमानदारी से पढ़ता है, नैतिकता की उजागर करते हैं। ये अपनी देहात में होने का कारण शहरी परिवेश से दूर है, ये अध्ययन करता है और ये प्रतिभा को शिक्षकों के द्वारा निखार करके आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इनके गाल, इनके बाल, इनके ड्रेस, इनका ड्रेसअप देखिए साधारण है, बाल कोई हीरो कट नहीं कटे हुए हैं, एकदम नॉर्मल बच्चे। शहर के वो बच्चे जो अपने बाल को हनी सिंह लुक देते हैं या फिर पढ़ने की उम्र में हीरो बन जाते हैं, और जब हीरो बनने का उम्र होता है तो ऑटो रिक्शा लेकर चलाते हैं। उन तमाम बच्चों को सीखना चाहिए ऐसे स्कूलों से, ऐसे छात्रों से, ऐसी छात्राओं से। साधारण भेष, साधारण भूषा, लेकिन उड़ान बड़ी है, हौसले बड़े हैं, इरादे मजबूत है। जब तक कि आप खुद को घिसेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, खुद को सर्फ नहीं करेंगे, खुद को लगाएंगे नहीं, तब तक आप कमाल नहीं करते हैं। कमाल तभी बनता है, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। जब गेहूं का पौधा आप जमीन में डालते हैं, वो पौधा, वो दाना जब मिट्टी में मिल जाता है, तब जाकर उसके अंदर से एक खूबसूरत पौधा निकलता है और अपने साथ कई सारे गेहूं के बाली लेकर आता है। तो ये होता है जब तक कि आप खुद को रगड़ते नहीं है, खुद को घसते नहीं है। पांचवा रैंक आया है आपका, कैसे देखते हैं ये रैंक कैसे मिलता है? आप खुद से मेहनत करते हो, अपने टीचर्स, आपके टीचर जो भी कहते हैं उसको फॉलो करोगे और खुद से जब मेहनत करोगे तो ये पांचवा रैंक नहीं, आप बिहार में भी नंबर वन पे आ सकते हो। ये कोई पांच रैंक कोई बड़ा बात नहीं होता है, पांच रैंक कोई बड़ी बात नहीं होती है। वाह, क्या क्या सीखते हैं स्कूल में, क्या क्या सीखते हैं स्कूल में, स्कूल में आपको कितना नंबर आया? जी मेरा 455 है। 455 है, देखिए दुबला सा पतला सा लगता है कि बेहद कमजोर है, लेकिन जिस्म कमजोर जरूर है। जब आपके जहन, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी थिंकिंग जब आसमान से ऊंची होती है तो दुनिया की तमाम चीजें बौनी हो जाती हैं, और ऐसे लोग ही कमाल करते हैं। दुनिया हमेशा ऐसे ही लोगों से के द्वारा इतिहास से बनती है। तो कैसे मेहनत करते हैं? जी टीचर्स का पूरा सहयोग मिला है, फिर घर पर मेहनत करते हैं, पढ़ाई टाइम रूटीन से होता है, टीचर्स भी मोटिवेशन करते हैं कि ऐसे पढ़ो, मतलब अच्छे मार्क्स लाओ, नैतिक व्यवहार भी देते हैं टीचर्स। नैतिक व्यवहार जरूरी है जी। क्या पढ़ने के साथ साथ कितना नंबर आया आपको? 440। कितना साधारण से बोलता है, दूसरे स्कूल में 440 ऐसा होता है। ये होती है आपके अंदर नैतिक शिक्षाओं के मूल्य। 440 आया है जी, क्या लगता है 440 के पीछे किसका मेहनत? सभी शिक्षक सर जो थे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अच्छा, लगा कि बस सिर्फ पढ़ना है मेरे को जी। पिता क्या करते हैं? खेती करते हैं। पिता खेती करते हैं, किसी के पिता किसान है, किसी के पिता, और कोई बोलेंगे, और कोई बोलेगा? क्या नाम है? मिंटू कुमार। मिंटू कितना नंबर? 415 नंबर। 415 नंबर। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी घर के, घर में रहती हैं। मम्मी को मालूम हुआ कि 415 नंबर के कितना नंबर होता है? मालूम चला मम्मी को जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे गांव के परिवेश में कि उनके माता पिता को सही से पता भी नहीं होगा कि 415 कितना होता है, 485 कितना होता है। बस उनको लगा कि बुआ पास हो गए, मेहनत कर लग गई। लेकिन जब ऐसे माँ बाप के बच्चे जब बेहतर करते हैं तो उनका नाम एक दिन इतिहास बनता है, वो सुनहरे शब्दों में याद किए जाते हैं। क्या नाम है? राधिका कुमारी। राधिका कितना नंबर? 351 नंबर लाए। मेहनत कितना देर? जितना समय लगता था पढ़ाई करने में सर, जो जितना बोलते थे, मोटिवेशनल करते थे, उतना पढ़ाई करते थे। उतना पढ़ाई करते हैं। हाँ। कोई दिक्कत भी आती है घर में? नहीं, घर में कोई दिक्कत नहीं, फैमिली का भी सहयोग था। देखिए राधिका को, राधिका ने भी अच्छे नंबर लाए हैं। ये स्कूल मानो क्या पे जाता है आप लोगों को? कितना नंबर आया? 331। 331। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी कैसे करती है मेहनत? घर पे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आपका क्या नाम है? आशा कुमारी। आशा कितना नंबर आया? 330 नंबर। 330 नंबर आया। कितना देर मेहनत करती हैं? कितना जितना होता है। जितना होता है। कितना कितना नंबर आया आपको? 319 नंबर। 319 नंबर। क्या नाम है? बिंदिया कुमारी। बिंदिया कुमारी। यही लोकल में घर है? लोकल घर है यहीं पे? नहीं, बाहर है, बहुत दूर है। दूर घर है। क्या नाम है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी, आपको कितना नंबर आया? 303। 303 नंबर आया। यस सर। सर ईमानदारी से पढ़ाते हैं? यस सर। एक साल दो साल आप रिजल्ट को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन साल दस साल जब आपके यहाँ
रिजल्ट आसमान से बातें करें तो इट मीन्स ये है कि आप आपका शिक्षण संस्थान और आपको पढ़ाने वाले लोग कमाल के लोग होते हैं। आप सोच सकते हो कि 153 कितना 143 143 बच्चों में 135 बच्चे फर्स्ट आ जाए, उनमें से 53 बच्चे 400 से अधिक 80% से अबव नंबर लाते हैं, तो कमाल का स्कूल होता है, कमाल के लोग होते हैं। एक बच्ची और आई है यहाँ पर, कितना नंबर आया आपको? 355। खाना खा के आई आज? यस जी। कितना कितना देर मेहनत करती है? बहुत देर करते हैं जी। क्या लगता है, ईमानदारी से पढ़ना है जी? पापा क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए? बोलते हैं पढ़ के आगे निकलना है जी। तो जिस्म से कुछ नहीं होता है, हौसले आसमानी होने चाहिए। हम और भी टीचर लोगों से बात करते हैं, कैसे तैयारी कराते हैं? टीचर हैं आप? साइंस टीचर है। साइंस टीचर जी। सारे भी से साइंस में आपके बच्चों में सबसे अधिक नंबर कितना आया? 97 बहुत ज्यादा दिया आपने। क्या किया? पढ़ाए थे, पूरे सिलेबस की तैयारी कराए थे। ईमानदारी पूर्वक से सारे बच्चों का जो अध्ययन है, टेस्ट वगैरह है, सारे समय समय पर टेस्ट लेकर के और जो भी कमी था जिसके अंदर उसको पूरा करके मैंने अध्यापन का कार्य किया। अगर किसी स्कूल को आप सीख देना चाहें कि कैसे पढ़ाना है तो बताइए कम शब्दों में जी। ये कि जो सिलेबस उपयुक्त सिलेबस है, बच्चों जो कमजोर बच्चे हैं उसे विशेष ध्यान रख करके, और जो उपयुक्त अच्छे बच्चे भी है, सारे वर्ग जो बच्चे हैं उसको उचित शिक्षा दे करके, जरूरत है जो सिलेबस की पूर्ण तैयारी कराया जाए तो बच्चे अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं। क्या पढ़ने के उम्र में आप भी टीचर हैं? ये नहीं, हम गार्जियन। अच्छा, गार्जियन है। पढ़ने के कितना अंक आया आपके आपके बच्चे का? 402 नंबर। 402 नंबर। क्या काम करते हैं? हम तो आज छोटा सा बिजनेस करते हैं सर। हाँ। लेकिन सर से पर्चे हुआ 15 साल पहले से पर्चे हुआ। हाँ। जब से संपर्क हुआ। हाँ। उस दिन से हम लोग पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है और गर्व है कि इतना स्कूल बहुत है सिद्धार्थ जिला में, इतना लेकिन इतना ईमानदारी से कोई नहीं पढ़ा पाते हैं। 402 नंबर आया है तो जो खिलखिला रहे हैं आप जी, हमारा बहुत गर्व है। हाँ। गर्व है ना, मेरा बच्चा देहात में रहते हुए इतना नंबर लाकर अच्छी खुशी दिया पूरे गार्जियन। बच्चा जाके आगे जाकर के बहुत जी सर कर सकता है। जी सर कर सकता है। मेरा बच्चा यह है बबलू कुमार है सामने जी, 402 नंबर। 402 नंबर जी। आपके बच्चे ने कितना लाया? हम टीचर हैं। आप टीचर हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। किसी के टीचर हैं? हम तो मैथ पढ़ाते हैं। मैथ कराते हैं। मैथ लास्ट में कितना है? मैथ में 99 है। 99 वाह, आपने लाया है। ये 99 लाने वाले हैं, जोरदार तालियां। यस सर, मुझे लगता है एक नंबर को काट लिया गया है। एक नंबर काट लिया गया है। मैथ अच्छा लगता है? यस सर, हम लोगों को मैथ देखकर भागते थे हम लोग। बहुत हल्का है मैथ। हाँ। जी। आप जब काम करते हो ना, आप जब लगातार प्रैक्टिस करते हो, लगातार रिहर्सल करते हो, लगातार लगे रहते हो, तो जो चीजें टफ होती हैं वो एक दिन आसान सी हो जाती हैं। एक अंधा आदमी कैसे चलता है? जब वो अपने घर से दरवाजा रोड आते जाते जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीने, दो महीने, चार साल, पांच साल, ईमानदारी से जब आप उतरोगे, लगोगे, घिसोगे, पिटोगे, तब जाकर आप बनकर निखर जाओगे। 99 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। और बच्चा कह रहा है कि एक नंबर लगता है खाक लिया गया है, तो फिर से एक बार ताली मारिए भाई के लिए। अभी टीचर है, क्या पढ़ाते हैं आप? सर हिंदी। हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में कितना नंबर आया है? हिंदी में 94 हाईएस्ट है। 94 पर पहुंचा दिया सर। कुछ कहना है बच्चों के लिए? हाँ। कि हारता वो नहीं है जो कंपटीशन में जाके हार जाता है। हाँ। हारता तो वो है जो कंपटीशन में जाता ही नहीं। कंपटीशन में जाता ही नहीं, वाह बहुत बड़ी बात है। संस्कार भारती इस जिला और इस बिहार राज्य के लिए कोई परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार कई वर्षों से जिला टॉप देते हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से एक बगीचा को माली सींचता है समय पे खाद और पानी देकर के, उसी तरह से हम लोग बच्चों को सींचते हैं। हम लोग एक माली का भांति काम करते हैं और बच्चों को इतना जॉली मूड में पढ़ाते हैं, एक मित्र और पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। और शिक्षक का कर्तव्य यह होता है कि बच्चों से कुछ सीखना और सिखाना, बस उससे थोड़ा सा हम लोग एक कदम आगे हैं और बच्चों की इतना अच्छे गाइडलाइंस करते हैं। और दूसरे स्कूल को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बच्चे आपके स्कूल के हो या हमारे स्कूल के, होते देश के भविष्य ही है, उसको हमको अच्छा बनाना, इस देश के लिए आगे बढ़ाना एक जिम्मेदारी होती है। और APJ अब्दुल कलाम जी भी कहे हुए हैं कि यदि देश को कोई अच्छा से सुधार सकता है तो वो माता पिता और टीचर्स होते हैं, क्योंकि शिक्षक से अच्छा आज तक इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है और ना होगा। एक शिक्षक इंजीनियर, IPS, IAS सब बना देता है, लेकिन एक शिक्षक यदि कुछ भी थोड़ा भी मिस्टेक कर देता है